ली चलते हैं आपको बरेली की ओर, जहां बीडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सपा विधायक के पेट्रोल पंप पर चलाया बुलडोजर। देखिए आवाज न्यूज 24 की खास रिपोर्ट। दरअसल शाहजी इस्माइल का यह पेट्रोल पंप एसईआरएस फिलिंग स्टेशन के नाम से परसाखेड़ा में स्थित है। बीडीए बीसी का यह कहना है कि पेट्रोल पंप बिना नक्शा पास किए बनवाया गया है। इसके लिए पहले से ही नोटिस जारी किया गया था, मगर कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने यह भी बताया कि इसको एनओसी भी जारी नहीं है। इसके बाद भी यह अवैध तरीके से लगातार चल रहा था। नोटिस का जवाब नहीं देने के बाद भी इसे ध्वस्त किया गया है। आपको बताते चले कि हाल ही में शाहजिल इस्माइल ने सपा के एक कार्यक्रम में सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने तहरीर पर उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। अब बीडीए ने इनके पेट्रोल पंप को ध्वस्त कर दिया है। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा आज रामपुर रोड पर श्री शहजिल इस्लाम द्वारा अनाधिकृत रूप से पेट्रोल पंप की स्थापना की गई थी, और इसमें उत्तर प्रदेश नगर निगम विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 के तहत कार्रवाई की गई है। इनको दिनांक 13/7/2020 में नोटिस जारी किया गया था और पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया, और 31/3/2021 में इस प्रकरण में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए, क्योंकि इन्होंने ना तो कोई मानचित्र स्वीकृत कराया है और सरकारी जमीन पर कब्जा करने का भी प्रयास किया गया था। इस कारण से इसमें ध्वस्तीकरण आदेश आज दिनांक 7/3 में स्थानीय पुलिस दल के सहयोग से और प्राधिकरण स्टाफ की मौजूदगी में समस्त अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया है। प्राधिकरण द्वारा लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आगे भी इसी टाइप से जो भी अनाधिकृत निर्माण जिनके मानचित्र स्वीकृत नहीं है उन पर बहुत ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी से ये आग्रह है कि अपना मानचित्र स्वीकृत कराएं अथवा उनका समन्वन करा करके अपनी स्वीकृति प्राप्त करें, और जो भी सरकारी ड्यूज हैं उनको समय से जमा कराएं। यही है।